Assalamualaikum, welcome to my channel, my kitchen office. आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए एक न्यू रेसिपी जो है वाइट चिकन कढ़ाई. बहुत ही सिंपल एंड यूनिक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाने वाली है, स्पेशली दावतों में जब आपके पास टाइम नहीं होता तो फौरन ही तैयार हो जाती है फटाफट से. बहुत ही ईजी स्टेप्स में आपको बनाना सिखाऊँगी. लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके. साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक्स ज़रूर दे दिया करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें. तो चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ 2 kg चिकन ले लिया है कढ़ाई कट पीसेस और इसको अच्छे तरह धो के कढ़ाई में डाल लिया है. इसमें अब 1/2 कप या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड किया है मैंने. इसमें आप अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से. फिर इसमें साबुत गर्म मसाला ऐड किया है जिसमें है तेज़पात, थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत काली मिर्चें, लौंग और बड़ी इलायची, 1 बड़ी इलायची. साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है. अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और पकने देना है. एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए आपने इसको इसी तरह फ्राई करना है. चिकन अपना पानी छोड़ देंगे और आपने इसी में इसको पकने देना है. आफ्टर 10 मिनट्स आपने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है या आप अपने मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, आपको जैसे एडजस्ट करना हो कर लें. और 1 टेबल स्पून ही यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है मैंने, वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं जितना आपको चाहिए हो. साथ ही इसमें मैंने वाइट पेपर पाउडर ऐड किया है 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून. सारे स्पाइसेस डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इस स्टेज पे आपने इसमें 1 कप मिल्क ऐड करना है. मैंने भी 1 कप मिल्क ऐड किया था लेकिन मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी जिस वजह से मैं नहीं दिखा सकती. लेकिन आपने इसमें 1 कप ऐड करना है मिल्क इस स्टेज पे और अच्छी तरह इसको पकने के लिए रख देना है. आफ्टर 10 to 15 मिनट्स चिकन बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरह गल चुकी है. अब आपने इसमें 2 पैकेट फुल क्रीम पैक के ऐड करने हैं. यहाँ मैंने नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के ऐड किए हैं. यहाँ मैं 2 पैकेट्स इसलिए ऐड करी क्योंकि मेरी चिकन भी 2 kg थी. आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं. अगर 1 kg चिकन की कढ़ाई आप तैयार करें तो 1 पैकेट मिल्क क्रीम डाल सकते हैं. अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख देना है 5 मिनट के लिए पकने के लिए और 5 to 6 मिनट्स के बाद बिल्कुल रेडी होगी आपकी कढ़ाई. अगर आप चाहें तो इसमें कोल का दम भी दे सकते हैं लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था कोल तो मैंने नहीं दिया, बट आप ज़रूर दीजिएगा उससे और तो फ्लेवर इन्हेंस होगा. बस तो फिर आज की रेसिपी रेडी है, आप इसको सर्व करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. और देखने के लिए बहुत शुक्रिया. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.